रूस के उरल माउंटेन में एक जगह है जिसे डेड माउंटेन कहते हैं। ये जगह एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए है। 1959 में 9 अनुभवी हाइकर्स इसके बर्फीले ढलानों पर गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मौत रहस्य में डूबी हुई है और उनके शरीर पर लगे अजीब और गरीब जख्मों ने दशकों से जांचकर्ताओं और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स को परेशान किया है। डायटलोव पास इंसिडेंट, जैसा कि इसे जाना जाता है, 20वीं सदी के सबसे हैरान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ये घटना फरवरी में हुई थी, जो रूसी सर्दी का सबसे कठिन समय होता है। ईगोर डायटलोव, जो एक अनुभवी हाइकर थे, उनके नेतृत्व में इस ग्रुप में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। सभी यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे या हाल ही में ग्रेजुएट हुए थे। जवान थे, फिट थे और उरल पहाड़ों की कठोर सुंदरता के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे। उनका लक्ष्य ऑटोटन माउंटेन तक पहुंचना था। यह छोटी स्थानीय किंवदंतियों और लोक कथाओं में डूबी हुई है, लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंच पाए। हफ्तों बाद उनका आखिरी कैंपसाइट मिला, जिससे अचानक और अकथनीय आतंक की तस्वीर दिखाई देती है। हाइकर्स का तंबू अंदर से फटा हुआ पाया गया था, जैसे कि वे किसी भयानक दहशत में भागे हों। कैंपसाइट के चारों ओर उनका सामान बिखरा पड़ा था, जूते, बैग और यहां तक कि उनके कुछ कपड़े भी। हाइकर्स खुद तंबू से अलग अलग दूरी पर मृत पाए गए थे। कुछ आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए थे और नंगे पैर थे, जबकि तापमान बहुत ही ठंडा था। सोवियत अधिकारियों द्वारा की गई आधिकारिक जांच अनिर्णायक थी। ज्यादातर हाइकर्स की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया था, लेकिन कुछ शवों पर गंभीर आंतरिक चोटों के निशान थे, जिनमें खोपड़ी का फ्रैक्चर और पसलियों का टूटना शामिल था। हाइकर्स के इस अजीब व्यवहार और किसी भी तरह के संघर्ष के कोई निशान न होने की वजह से ये चोटें अंतहीन अटकलों को हवा देती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इन अनुभवी हाइकर्स को इतना डरा दिया कि वे अपने तंबू को छोड़कर ठंड में भाग गए? बिना किसी बाहरी चोट के ऐसी भयानक चोटें कैसे लग सकती थीं? डायटलोव पास का रहस्य शुरू हो चुका था। डायटलोव पास इंसिडेंट की कहानी त्रासदी से हफ्तों पहले शुरू होती है, जब ग्रुप सावधानी पूर्वक अपनी तैयारी कर रहा था। हाइकर्स, जो सभी अनुभवी विंटर कैंपर्स थे, ने अपने रास्ते की योजना बहुत ध्यान से बनाई और अपना सारा सामान इकट्ठा किया। उनका लक्ष्य उरल पहाड़ों के पार स्की करना और हाइक करना था। उनके अनुभव वाले ग्रुप के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य था। 27 जनवरी 1959 को ग्रुप स्वर्दलोव्स्क शहर से रवाना हुआ, जो अब यकातेरिनबर्ग है। हाइकर्स ने अपनी यात्रा को डायरी और तस्वीरों में दर्ज किया, जिससे उनके रोमांच की झलक मिलती है। उन्हें कठोर मौसम का सामना करना पड़ा, घनी बर्फ के बीच से रास्ता बनाना पड़ा और तेज हवाओं से जूझना पड़ा। एक सदस्य यूरी यूदिन बीमार पड़ गया और उसे जल्दी वापस लौटना पड़ा। भाग्य का यह ऐसा खेल जिसने उसे जीवन भर परेशान किया। वह उस ग्रुप को आखिरी बार देखने वाला व्यक्ति था। 1 फरवरी को बाकी बचे 9 हाइकर्स ने खोलत शाखल की ढलानों पर अपना आखिरी कैंप लगाया। इस पहाड़ को मानसी लोग डेड माउंटेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक खुले ढलान पर अपना तंबू लगाया, एक ऐसा फैसला जिस पर बाद में सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन संभवतः अंधेरा होने के कारण ऐसा किया गया होगा। आगे क्या हुआ, यह एक रहस्य है जिसे कैंपसाइट पर मिले सबूतों और हाइकर्स के शरीरों पर किए गए पोस्टमार्टम से जोड़कर बनाया गया है। रात के समय किसी अज्ञात कारण से हाइकर्स अपने तंबू को छोड़कर भागे। उन्होंने अपना सामान और ज्यादातर गियर पीछे छोड़ते हुए तंबू को काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। कुछ नंगे पैर थे तो कुछ ने आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे। वे ढलान से नीचे उतरकर अंधेरे में भाग गए।
मानो किसी अनदेखी दहशत से भाग रहे हों। आखिर क्या वजह रही होगी जिसने इन अनुभवी हाइकर्स को इतनी बेतहाशा भागने पर मजबूर कर दिया? यह सवाल डायटलॉफ पास इंसिडेंट के केंद्र में है। हफ्ते बीत गए लेकिन हाइकर्स का कोई पता नहीं चला। चिंताएं बढ़ने लगी और एक खोजी दल का गठन किया गया। 26 फरवरी को खोजी दल को ग्रुप का खाली पड़ा कैंपसाइट मिला। तंबू जो अंदर से फटा हुआ था आधा बर्फ में दबा हुआ था। तंबू से दूर जाते हुए पैरों के निशान थे जो आसपास के जंगल के अंधेरे में गायब हो रहे थे। इस खोज ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। कुछ तो बहुत गलत था। खोजी दल ने पैरों के निशानों का पीछा किया। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। जल्द ही उन्हें पहले दो शव मिले जो जंगल के किनारे एक अलाव के पास पड़े थे। वे नंगे पैर थे और आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे। उनके शरीर जम चुके थे। अगले कुछ हफ्तों में बाकी शव मिले, कुछ ढलान से नीचे, अन्य जंगल में और भीतर। शवों की स्थिति, उनकी चोटें और किसी भी तरह के संघर्ष के कोई निशान न होने से रहस्य और भी गहराता गया। कुछ पीड़ितों की त्वचा पर एक अजीब नारंगी भूरे रंग का धब्बा पाया गया और उनके बाल सफेद हो गए थे। बाद के विश्लेषण से पता चला कि यह सड़न के कारण हुआ था, लेकिन उस समय इसने रेडिएशन पॉइजनिंग या किसी अज्ञात रासायनिक एजेंट की अटकलों को हवा दी। पोस्टमार्टम से और भी परेशान करने वाली जानकारी सामने आई। कुछ हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी जबकि अन्य को भारी आंतरिक चोटें आई थी। खोपड़ी का फ्रैक्चर, पसलियों का टूटना और छाती की गुहा का कुचलना ऐसी ताकत की ओर इशारा करते थे जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। रहस्य को और बढ़ाते हुए किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं थे। कोई चोट के निशान, कटौती या बचाव के घाव नहीं थे जो किसी संघर्ष का संकेत देते हों। सोवियत अधिकारियों द्वारा की गई आधिकारिक जांच अनिर्णायक और गोपनीयता में डूबी हुई थी। घटना से जुड़े कई विवरणों को गुप्त रखा गया जिससे साजिश के सिद्धांतों और अटकलों को हवा मिली जो आज तक जारी है। डायटलॉफ पास इंसिडेंट प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और अप्रत्याशितता और जंगल में छिपे रहस्यों की एक भयावह याद दिलाता है।